अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम देने जा रहे हैं महाबीर को ईदी। हमने ईदी नहीं दी थी, हमने बोला था कुछ स्पेशल तरीके से महाबीर को ईदी देंगे, तो हम इस तरीके से महाबीर को ईदी का सरप्राइज बना के देंगे। अभी किसी को भी नहीं पता, जब हमने एक बना भी लिया है, एक महाबीर को ईदी देने के लिए बॉक्स तैयार कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा ब्लू में। अब मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ मैं किस तरीके से ये बना रही हूँ। और सारा सामान महाबीर का ये रखा हुआ है। इसके अंदर हमने कोकोमो रखे हैं, नाव रखी है, चॉकलेट्स रखे हैं, टॉफियाँ भी हैं। अभी टॉफियाँ मैंने निकाली नहीं है, मैं निकालूंगी रख के फिर आपको दिखाऊंगी। टॉफियाँ वगैरह भी रखनी है। ये सब करते हुए अब मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अब सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं इसे। हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे स्टॉप करूँगी। स्टॉप करने के बाद ये फालतू पेपर आ रहा है, इसे जो है मैं कट कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसे मैंने इसको कट कर दिया। ये फालतू हो गया है पेपर मेरे लिए। अब मेरा ये सही से बिल्कुल इसे मैंने फोल्ड करके लाइन बना लेनी है इसकी। अब इसे मैं लूँगी, ये जो ये वाला पेपर है इसे मैं लेकर आऊँगी यहाँ पे। इसे मैंने यूँ कर लिया। फिर ये करने के बाद फिर इसे मैं करूँगी यहाँ पे। इसे मैंने करना है यहाँ पे यूँ। अब इसे मैंने इस तरीके से यूँ कर दिया है। अब ये जो एक इसके अंदर का बचेगा, ये दो आ रहे हैं। अब इसे लेने के बाद जो है मैंने इसे कर दिया है इस वाले पेपर को इसके अंदर। ये मैंने ये यूँ इसके अंदर कर दिया। अब ये मेरा बन चुका है इस तरीके से। हमारा बन गया एक बॉक्स इस तरीके से। इसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं। अब इसे डेकोरेशन करने के लिए जो है, अब मैं इसमें थोड़ा सा अब मुझे इस तरीके की डेकोरेशन करने के लिए पहले आइज़ बनानी पड़ेगी, इसकी माउथ बनाना पड़ेगा। अब मैं ये बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर लेने के बाद जो है अब मुझे सबसे पहले इसकी आइज़ बनानी है। फिर मुझे इसका मुंह बनाना है। मैंने इसका मुंह बना लिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी लैशेस बना लेती हूँ। अब लैशेस भी बन गई हैं इसकी। अब इनकी आईब्रो बनेगी। आईब्रो बनने के बाद अब इसे थोड़ा सा इनके ऊपर, ये बन चुका है। अब इसके बाद इसकी आईज पे हमने थोड़ा सा वाइटो लगा देना है। वाइटो मेरा थोड़ा सा सूख गया है, फिर भी चल रहा है। ये आईज बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर वाइटो लगा देती हूँ थोड़ा सा। ये वाइटो लग गया। अब ये थोड़ा सा जब सूख जाएगा फिर इसके अंदर मैं आईज बनाऊंगी। अब रेड मार्कर ले रही हूँ मैं। रेड मार्कर से जो है इसकी चिक्स बनाऊंगी। मेरे चिक्स बन गए हैं। अब जो है मैं इसकी इसमें मैं सोच एक चीज़ का इजाफा और कर देती हूँ। उसमें मैंने जो है टंग नहीं बनाई, इसमें मैं जो है छोटी सी टंग बना दूंगी। मैंने ये टंग बना दी है इसमें। अब जो है इसे फील कर देती हूँ रेड मार्कर से। अब मैंने इसे रेड मार्कर से फिल कर दिया है। फिल करने के बाद जो है अब मैं इसकी आइज बनाऊंगी। आइज के लिए लेना पड़ेगा मार्कर। वाइटो पता नहीं सूख गया नहीं सूखा, सूख गया है। अब मैंने जो है मार्कर ले लिया है ताकि इसकी आइज बन जाए।
ये इसकी आइस बन चुकी है, ये मेरा बन चुका है, पूरा बॉक्स रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चीज़ें डाल देती हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे एक कोकोमो और एक लॉलीपॉप डाल देंगे। महावीर की सारी फेवरेट चीज़ें, ये सारी चीज़ें महावीर खा लेते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। और एक हमने डाल दिया है ये चॉकलेट, और हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी टॉफियाँ और ईदी। ईदी के अभी मैं बनाऊंगी फ्लावर्स, फ्लावर्स बना के फिर इसके अंदर डालूंगी। इस तरीके से ये हमारी दो रेडी हो गई हैं। अब मैं एक और बनाने जा रही हूँ, एक अरिका की तरफ से, एक लब्बेक की तरफ से, एक मेरी तरफ से। अब मैं वो बना के आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। इस तरह मैंने ये कम्प्लीट कर लिया है महावीर को ईदी देने के लिए, और इसमें ईद मुबारक भी लिख दिया है। और अब ये महावीर को कल देंगे, तो देखते हैं सरप्राइज़ है भाभी लोग का सबका। एक ईका की तरफ से, अभी हमने अपनी ईदी नहीं रखी है इसमें, ये हमारे चीज़ों के बॉक्स हैं, लब्बे की ईदी रख दी है इसमें। हम ईदी के लिए कोई और चीज़ बना रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें महावीर को हम ईदी देंगे, वो उसके लिए हमने ये शीट मंगवाई हैं, ये शीट ले ली हैं। अब शीट ले ली हैं, अब मैं और डिब्बा मंगवाए खाली। अब इससे हम बनाने जा रहे हैं महावीर को ईदी देने के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं एक बुकेट महावीर के लिए। सबसे पहले पेंसिल ली, पेंसिल से स्केल से इसे कर लिया है। अब कैंची से इसे मैं करूँगी कट, से यहाँ से लेके वीडियो स्टॉप कर दूँ थोड़ी सी ताकि मैं देख पाऊँ। से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मुझे स्केल लेने की ज़रूरत पड़ गई है। स्केल लेके इसे यहाँ से यूँ फोल्ड कर लेना है मुझे ताकि ये फोल्ड हो जाए। ऐसे इस साइड का भी स्केल के ज़ोर से मुझे फोल्ड करना है। ये यहाँ से इसे यूँ करना है, और यहाँ से जो है यहाँ से भी हमें इतना ही लेना है, उसी के बराबर, ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ से भी हमने इसे यहाँ तक ले लिया है। ये हमारा बन गया। अब मैं अब जो मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ की है लाइन, इस लाइन को अब मुझे जो है कट करना है। लाइन को मैंने कट कर दिया। ऐसे यहाँ से भी मैंने ये वाली लाइन लेनी है, इसे जो है कट करना है। ये मेरा इस तरीके से बुकेट का साइज हो गया है। हमने पहले ये शीट ले ली है, अब हमारा ये पूरा बन चुका है। मैंने वो कार्ड आपको बताया था बनाने का तरीका लिया था। अब इसमें ये सब ईदी लगा दी है। ईदी लगाने के बाद अब हमने ली है, ये पूरा हमारा रेडी हो चुका है बुकेट, ईदी वाला हमारा ये बुकेट पूरा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद अब हमने ली है शीट, पहले शीट को डबल कर लिया। डबल करने के बाद हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करा। अब मैं दिखाती हूँ आपको फोल्ड करके क्या करना है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसे यहाँ से ऐसे काटेंगे, प्यार से काटना है, टेढ़ा ना कट जाए, इस वजह से बिल्कुल स्लो स्लो कट करना है। इसे हमने ये लिया, हमने इसे स्लो स्लो कट कर लिया। हमारा कट हो गया था। कट होने के बाद अब मैं इसे खोलूँगी। खोलने के बाद इसे इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी, यहाँ पे जो निशान बना हुआ है। अब ये मेरा फोल्ड हो रहा है। फोल्ड होने के बाद जो है अब मुझे यहाँ से फिर ये कट करना है पीस। अब मैं इस पीस को फिर कट करने लगी हूँ, बिल्कुल प्यार से, ज़रा सा भी ख़राब ना हो जाए। अब मैंने इसे कट कर लिया। अब मेरे पास बचा सिर्फ ये वाला पेपर, इसे मैंने यूँ रखना है। यूँ रखने के बाद इसे ऐसे रखना है ताकि इसमें ये ईदी का बॉक्स आ जाए। मेरे इस तरीके से ब्लॉक बन थोड़ा सा रह गया है। अब जो है बस फाइनल लुक करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बना रही हूँ ये मैं। बस मेरा फाइनल लुक रह गया है, बाकी पूरा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा रह गया है, फ्लावर भी बन गए हैं इसके, और ये सब बन गया है। अब फाइनल लुक करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का बना है ये। कुछ इतना तैयार हुआ है अभी, ऐसा बैठ ये देख, ऐसा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे से।
आगे से ऐसे तो सरप्राइज देंगे हम। ये दूसरा बन रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये डलेगा पेपर, इसी तरह जो हमने बनाया था वो हमारा बन चुका है महावीर को ईदी देने के लिए। ये लब्बैक दे रहे हैं महावीर को ईदी, ये अरिका दे रही हैं और ये मैं दे रही हूँ। एक अरिका दे रही हैं फ्लावर, एक मैं दे रही हूँ। तो हमारा रेडी हो चुका है। अब जब महावीर को देंगे, भाभी देखेंगी, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है, उनका रिएक्शन चेक करते हैं। अब मिलेंगे सुबह।